अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बाबर आजम ने अफ्रीकी बॉलर्स की धुलाई के लिए एक नया तरीका अपना लिया। इसके अलावा बाबर आजम और इमाद वसीम जो कि पाकिस्तान के मायनाज खिलाड़ी हैं, इन्होंने बहुत ही प्यारा बयान जारी कर दिया। साउथ अफ्रीका में मौजूद प्रैक्टिस सेशन के बाद इन्होंने जो बयान दिया वो आज की ज़र नज़र वीडियो में मुकम्मल तफसील आप भाइयों को मिलने वाली है। आप लोगों ने आज की वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में लाजमी दोनों में से कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है, इमाद वसीम या बाबर आजम, लाजमी टाइप करना है। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। यहां पे सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला ओडीआई मैच जो कि 2 अप्रैल दोपहर 1 बजे स्टार्ट होगा। आप लोगों के ख्याल में कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है एक छोटी सी वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, जो कि पीसीबी ने अपने पेज पर भी वायरल की है कि बाबर आजम हैचिंग कर रहे हैं अपने बैट की खुद एक बहुत ही प्यारे तरीके से, और ये अफ्रीकी बॉलर्स के लिए बहुत परेशान कन बात होगी। तो इसके बाद आप लोगों को दूसरी तरफ मैं आप लोगों को इन बयान के हवाले से बताता चलूँ। बाबर आजम का कहना था शब बारात के मौके पर कि अल्लाह पाक जिनके वालदैन या कोई भी अजीज़ों कार फोत हो चुके हैं उनकी मगफरत अता फरमाए, और इसके अलावा तमाम तर मुसलमानों को तंदरुस्ती अता फरमाए। इसी तरह इमाद वसीम ने भी इंतहाई शानदार बयान यही दिए कि अल्लाह पाक जिनके वालदैन या अजीज़ों कार फोत हो चुके हैं उनकी मगफरत अता फरमाए। सब कॉमेंट बॉक्स में आमीन टाइप करें। थैंक्स फ़ार वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।